इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग गूगल की हेल्प से हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। वीडियो में आप सभी लोग को कोई बेकार से एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि यार इस वेबसाइट पर चले जाओ, थोड़ा बहुत काम करो, 100-200 रुपए आपको मिल जाएंगे। मैं आप सभी लोग को जेन्युइन मेथड के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना अर्निंग प्रूफ शेयर करूंगा कि कैसे मैं पिछले 3 साल से जो है गूगल की मदद से काफी नेक्स्ट लेवल की अर्निंग कर रहा हूं। उसके बाद मैं एक्चुअल वो मेथड शेयर करूंगा कैसे आप सभी लोग कर सकते हैं। इस ओवरऑल में आप सभी लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है तो आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी जो है अर्निंग वगैरह कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में एक चीज चल रही हो कि यार ये वीडियो देखते ही आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वहां पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन जब आप अपना वहां पर टाइम स्पेंड करोगे तो गारंटेड आपको वहां से रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप भी गूगल से अच्छी इनकम करना चाहते हो डेफिनेटली वीडियो पर बने रहना, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आप स्किप कर दोगे तो यार आपका ही नुकसान होगा। जस्ट आपको वीडियो वॉच करनी है, बाकी पूरा प्रॉपर प्रूफ के साथ मैं आप सभी लोग को बताऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, भाई के चैनल पहली बार आए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। सो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल मेथड के बारे में बताऊंगा। सो साइड में आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी एक वेबसाइट का अर्निंग प्रूफ लगाया हुआ है। टुडे सो फॉर की जो अर्निंग है वो देख सकते हो अराउंड कुछ $47 के है, एंड यस्टरडे कितनी हुई थी वो भी आपके सामने है। तो ये लाइव अर्निंग प्रूफ आपके सामने चल रहा है जो कि मेरी एक वेबसाइट का है। अब अर्निंग प्रूफ तो आप सभी लोग ने देख लिया, अब हम जो है बात करते हैं कि एक्चुअल में कैसे आप जो है गूगल की मदद से अर्निंग कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन का यूज करके या फिर लैपटॉप का यूज करके। गूगल से पैसे कमाने का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है गूगल एडसेंस। अभी जो मैंने आपको अर्निंग प्रूफ शेयर किया वो भी गूगल एडसेंस का ही किया, लेकिन सिर्फ गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाने से आप जो है वहां से अर्निंग नहीं कर पाओगे। गूगल एडसेंस से आप सभी लोग जो है 3 तरीकों से पैसे कमा सकते हो जो कि एकदम ट्रस्टेड रहेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है YouTube चैनल बनाओ एंड उसको एडसेंस के साथ लिंक करके वहां से अर्निंग करो। लेकिन उसके भी YouTube की कुछ क्राइटेरिया है जो आप पूरा करते हो तभी जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, जो कि एक बड़ा मतलब प्रोसेस है। सेकंड जो मेथड आता है जो कि मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, जिसका अर्निंग प्रूफ मैंने शेयर किया है, वो है एक ब्लॉग वेबसाइट को क्रिएट करना, यानी कि गूगल पर एक वेबसाइट को बनाना एंड उस वेबसाइट पर जो है कंटेंट को डालना एंड उसको एडसेंस के साथ लिंक करके वहां से अर्निंग करना। थर्ड जो मेथड आता है वो आता है गूगल एड मूव, यानी कि जो प्ले स्टोर पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिखती है उन एप्लीकेशन को बनाना एंड उन एप्लीकेशन पर जो है एड मूव के एड्स लगाना एंड उन एड्स से आपको जो है अर्निंग होगी। 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर करें। अगर 3 में से 2 को हटा दूं, करंटली मैं जो यूज कर रहा हूं उसकी बात करूं, यानी कि ब्लॉगिंग की, ब्लॉग वेबसाइट बनाकर अर्निंग करना, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हो। गूगल पर जाओगे, blogger.com लिखोगे तो वहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहां पर जाकर आप अपनी एक फ्री में ब्लॉग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो एंड उस वेबसाइट में आप जो है कॉन्टेंट को डाल सकते हो। अब गाइस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एक्चुअल से हम वेबसाइट से अर्निंग कैसे करेंगे। तो जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे, जैसे आप देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techbhaiyoshyt.in, तो जब आप अपनी वेबसाइट को बनाओगे उस वेबसाइट को आप गूगल एडसेंस के साथ लिंक कर दोगे, तो इस तरीके के गूगल के एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पर आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो गूगल के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट पर जब क्लिक्स आएंगे यूजर के, तब हमारी अर्निंग होगी। एंड जो मैंने आपको अर्निंग प्रूफ शेयर किया था वो मैंने जो है वेबसाइट का ही किया था, इस वेबसाइट का नहीं है। मेरी दूसरी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनका प्रूफ मैंने आपके साथ डाला था। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक्चुअल में आप वेबसाइट को कैसे क्रिएट करोगे। अगर आपको कोई टेक्निकल आइडिया नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, यहां पर आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जैसे आओगे नीचे आप सभी लोग को फ्री ब्लॉगिंग कोर्स 2021 का जो है एक सेक्शन मिलेगा, यानी कि प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अंदर जैसे आप विजिट करोगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप मोबाइल से कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो, कैसे एक ब्लॉग को स्टार्ट करना है, ब्लॉग पर कैसे आर्टिकल्स डालने हैं, कैसे आपका ब्लॉग गूगल में दिखेगा। A to Z पूरी सीरीज मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर एक बार आपने अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर दिया तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, जिससे कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके अच्छा गुड अमाउंट में पर डे के $100-150 कमा सकते हो अपनी वेबसाइट के जरिए। जस्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी साइट बनाते हो एडसेंस के साथ मोनेटाइज करते हो, तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर वेब स्टोरीज को डाल सकते हो। जस्ट वेब स्टोरी क्या होती है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज बनाते हो वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर स्टोरीज बना सकते हो। तो यहां पर देखो, मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूं। जैसे ही आप जो है गूगल वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर
आपको बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलता है, इसी के नीचे आपको जो है एक स्टोरीज वाला सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो स्टोरीज वाला सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पर जो है इस तरह की स्टोरीज डली हुई है। जैसे देख सकते हो गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए डाल के, एक स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग स्लाइड्स होती है जिन पर कि आप कॉन्टेंट डाल सकते हो, एंड ये आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। एंड जब आप ऐसा स्लाइड्स बनाओगे तो इन स्लाइड के बीच में आप जस्ट आप देखना एक ऐड आएगा इस तरीके से। तो जब यूज़र इनको देखेंगे तो उससे आपको अर्निंग होगी। एक बार अगर आपकी स्टोरीज इस तरीके से डिस्कवर फीचर में आनी शुरू हो गई तो आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। वो कैसे डिस्कवर में लानी है, कैसे आप वेब स्टोरीज को बना सकते हो, रिसेंटली मैंने पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने 4 वीडियो डाले थे, यहां पर देख सकते हो। चारों वीडियोस पर काफी अच्छा सपोर्ट रहा पब्लिक का, तो यार इन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, जिससे आपको वेब स्टोरी बनाना भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट बनाने के बाद आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हो जाते हैं जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इस तरीके की साइट नहीं बनाना चाहते हो तो मैंने रिसेंटली शेयर करा था कैसे आप जो है मॉड एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। आप भी अपने फ़ोन में अलग अलग काइन मास्टर वगैरह के अलग अलग एप्लीकेशन के मॉड को यूज़ करते होंगे, तो वही मैंने बता रखा है कि कैसे आप जो है मॉड एपीके का ब्लॉग बना सकते हो। पूरी सीरीज मैंने स्टार्ट करी हुई है, दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो यार इस तरीके से आप ब्लॉगिंग की मदद से काफी नेक्स्ट लेवल अर्निंग कर सकते हो। अब ये तो मैंने एक मेथड आपके साथ शेयर किया, अगर आप दूसरे मेथड जानना चाहते हो कि कैसे आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन को बनाकर वहां से अर्निंग कर सकते हो, वो अगर ट्यूटोरियल चाहिए कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एप्लीकेशन बना सकते हो, तो वो चीज़ आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उस पर मैं डिटेल्ड पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाकर उसको प्ले स्टोर पर अपलोड करके गजब लेवल की जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो यार अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने जो आपको मोटे मोटे इंपॉर्टेंट मेथड उनके बारे में बताया। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।